अभी कुछ दिनों बाद मैं यहां से जाने वाला हूं बिकॉज वी आर गिवन अ टूर ऑफ इंडिया फॉर वन ऑलमोस्ट टू ईयर्स. करीब 100 स्कूल हमको मिलने वाले हैं. तो डॉक्टर आशीष शुक्ला आपको फिजिकली अब नहीं मिलेंगे, शायद साल में एक बार मिले. तो आप 11th में है तो हो सकता है 11th में 6 महीने बाद मिलूं, या हो सकता है 12th में जब आप पहुंचे तब 6 महीने बाद मिलूं. तो फिजिकल लेक्चर्स बाई आशीष सर विल बी नाउ वेरी प्रेशियस. बहुत मुश्किल से मिलेगा कि आपको मैं फिजिकली बैठकर पढ़ाऊं. ये मेरी किस्मत भी है, मेरा मेरा मेहनत भी है, मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए. इसीलिए मैं पिछले साल भर से वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं. ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियसली इंटरेस्टेड है अपने दिमाग के बारे में समझने के लिए. ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो क्लास में आते हैं और इसलिए आते हैं क्योंकि सर ने भेजा है या फादर ने भेजा है. काउंसलिंग के बारे में समझा जाता है कि काउंसलिंग कमजोर बच्चों के लिए या परेशान बच्चों के लिए है. बट मेरी ये डिस्कवरी है काउंसलिंग इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट फॉर जीनियस स्टूडेंट्स, फोकस्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज लाइक ब्रह्मास्त्र. तो अगर एक बेवकूफ के हाथ में ब्रह्मास्त्र है उसको फेंक देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है. और वहीं पर एक समझदार के हाथ में है, ही विल यूज इट वेरी इंटेलिजेंटली. प्लस आई वॉन्ट ऑल दीज क्लासेस दैट यू आर अटेंडिंग दे शुड बी इंटरेस्टिंग. वीडियो लेक्चर्स आर बोरिंग, उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ता है, सिस्टम टू का यूज करना पड़ता है. सिस्टम वन लाइव क्लास में यूज होता है जिसमें मैं बैठा हूं. सो हम लोग धीरे धीरे इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ऐसे वीडियोज जो कि दे आर मेड बाई प्रोफेशनल डायरेक्टर्स. जैसे हम आपको भी एक एपिसोड दिखाने वाले हैं अगले हफ्ते महाभारत के ऊपर. इट इज मेड बाई श्याम बेनेगल. देर इज अ पार्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था. उस इन सब वीडियोज से एक समझदार आदमी बहुत कुछ सीखेगा और एक बेवकूफ आदमी को लगेगा अरे सर मजा आया, खूब टाइम पास किया. तो सर हमारा क्या होगा अगर हम कमजोर हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं? व्हाट यू नीड फ्रॉम अ टीचर इज इंटरेक्शन. जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आई और आप अपने फीडबैक में लिखते हो तो वो मेरे पास पहुंचेगा. एवरी चाइल्ड्स फीडबैक रीचेस टू मी. अगर वो नहीं पहुंचता तो आप सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली ईमेल आईडी बनाइए एंड स्टार्ट मेलिंग इट टू मी. हमारे पास एक टीम है करीब 4 लोगों की जो फुल टाइम आपके मेल्स रीड करती है और मुझे बताती है और मैं उनको सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको क्या मेल करें. दिस इज अ सर्विस फॉर विच वी आर चार्जिंग हेफ्टी, 5000 रुपीज अयर, 10000 रुपीज अयर, बट फॉर यू इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज ऑफ फादर. फादर इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि किसी तरह से हमारे बच्चों में जो कमजोर बच्चे हैं वो तेज बन सके, तेज बच्चे बहुत तेज बन सके और जो बहुत तेज है वो कभी भी डिप्रेशन में जाए ना. बिकॉज बहुत तेज बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, आपको पता नहीं है, बल्कि कमजोर बच्चे नहीं जाते डिप्रेशन में. उनको तो लगता है अरे भाड़ में जाए, दे आर एबल टू मैनेज देयर डिप्रेशन बाय भाड़ में जाए. बट जो बच्चा 90 से 95 में जाना चाहता है वो 5% उसको दे मेक देम डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड. एंड समटाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड स्टूडेंट्स इन IIT एंड एम्स, दे किल देमसेल्व्स. तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो डिप्रेस्ड है? क्या वो बीमार है? नहीं. आम आदमी, आम बच्चा एक स्कूल का जो है वो बीमार, सबके सब बीमार है. और उस बीमारी का नाम क्या है? डिप्रेशन नहीं है अभी आपको, टेंशन भी नहीं है. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिजीज बाई पीपल. लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस. आप जब मेरी क्लास में बैठते हैं और मैं नहीं होता हूं, वीडियो चलता है, तो आपका दिमाग यहां से वहां जाता है. एक बहुत अच्छी बच्ची अभी 12th में, जैसे मैंने कहा कि आपका जो 4th पीरियड या 5th पीरियड होगा, तो उसने मुझसे पूछा कि सर आप रहेंगे? मैंने कहा नहीं, वीडियो रहेगा. तो शी सेड, मतलब शी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस. वो कब काम करता है? जब आशीष सर क्लास में होते हैं या कोई अच्छे से सर क्लास में होते हैं. अगर खाली ऐसे बैठे हो, आपके पास बुक्स ना हो, कोई एग्जाम ना हो, तो आप देखेंगे यू विल गेट अटरली बोर्ड. ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जितनी भी डिस्कवरीज की है, ज्यादातर डिस्कवरीज अपने बोर्डम को खत्म करने के लिए शराब की तरह है.
रेडियो चलता है, रेडियो में ढेर सारे एड्स आते हैं, टेलीविजन में ढेर सारे एड्स आते हैं और हम देखते रहते हैं, पता है क्यों? बिकॉज वी गेट बोर्ड, आवर कॉन्सेंट्रेशन इज सो वीक दैट एवरी फ्यू सेकेंड्स सम न्यू थिंग हैज टू कम। पिछले दो महीने पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था क्लास ट्वेल्थ को और मुझे बड़ी शर्म आई कि मैंने इन बच्चों को उस वीडियो के लायक समझा। एक बच्चे ने लिखा है फीडबैक, सर उसका फायदा क्या है, क्यों दिखा रहे हैं हमको? उस वीडियो में जेन मोनेस्ट्री में जेन मॉन्क्स रहते हैं, दे सिट ऑन देयर काउचेस फेस द वॉल्स एंड दे डोंट डू एनीथिंग फॉर 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स और जब थोड़ा नींद सी आती है वो उठते हैं, वो जाते हैं पोछा लगाते हैं सीढ़ियों पर, झाड़ू लगाते हैं बाहर अपने आश्रम में, क्यों? ताकि बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाए। फिर आकर के उसका नाम है जाजेन, जाजेन मतलब डूइंग नथिंग, जस्ट सिटिंग एंड इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। ये वही लोग हैं जो मार्शल आर्ट्स का डेवलपमेंट जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। जाजेन और जेन मोनेस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाई समबडी कॉल्ड एज बोधिधर्मा, देन ही स्टार्टेड स्वर्ड फाइटिंग, कराटे, कुंफू। फॉर दैट यू नीड इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उस कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो आप यू आर सिक बेसिकली, आई मीन वी ऑल आर सिक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप बीमार हैं, आप खराब हैं, खराब नहीं है, इट इज अ डिजीज ऑफ कॉमन पीपल। यही डिजीज है जो एक आम घर को, मिडिल क्लास फैमिली को लड़ाई करने में मजबूर करती है। आपको लगता होगा कि आप लड़ाई करते हैं, मां बाप लड़ाई करते हैं रिश्तेदारों से, क्योंकि हमारे चाचा ने कोई गलत किया या मेरे पापा ठीक से काम नहीं करते इसलिए मम्मी चिल्लाती है। ना, द बेसिक कॉज इज बोर्डम एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो इश्यू है लड़ाई के बीच में, उसके गहराई से जाकर के मां या बाप या चाचा या लोग देख नहीं पाते, इसलिए सुपरफिशियल सॉल्यूशन देते हैं लड़ाई करने का। जैसे एक बाप बच्चे के पास आता है, बोलता है अगर पढ़ेगा नहीं तो 2 झापड़ मारूंगा। उसको बेचारे को मालूम नहीं है, अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो उसको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 झापड़ मारने से वो टॉपिक और समझ में नहीं आएगा, बल्कि और कम समझ में आएगा, बिकॉज 2 झापड़ के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन और कमजोर हो जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था वो 2 झापड़ में जाएगा, मतलब ही विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना बेकार हूं। थोड़ा और डेस्परेट पेरेंट होगा जिसकी गहराई सोच में और कम है, वो बोलेगा आज लास्ट है, आज के बाद तेरे को मैं घर से निकालूंगा। तो उस बच्चे को फिजिक्स की बुक खोल करके या केमिस्ट्री की बुक खोल करके केमिस्ट्री नहीं दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा किसके घर जाऊंगा अगर मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। मेरे साथ हुआ ये चीज और मैं और दुष्ट, मैंने तो कपड़े भी पैक कर लिए और लेकर गया, एक साइबर कैफे थी वहां छुपाया, जब निकालेंगे तो कम से कम कपड़े तो होने चाहिए, और पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए मैंने। मम्मी ने बहुत साल पहले मुझे अंगूठी दी थी, अंगूठी पहनना शुरू कर दिया, घर से निकालेंगे तो अंगूठी तो चाहिए। ये सब जो चलाकियां जिसके लिए हमको मार पड़ती है, डांट पड़ती है, ये चलाकियां नहीं है, दीज आर डिजीज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिर सर आप भागे या सर आपको निकाला गया घर से, वो एक लंबी कहानी है, वो मेरी बायोग्राफी में आप पढ़ सकते हैं, मैं किताब लिख रहा हूं अपने ऊपर एक। सो हम सब एक बीमारी से ग्रसित हैं, उस बीमारी का नाम क्या है, और वो सबको है, एक 90% वाले बच्चे को भी है और एक 30% वाले बच्चे को भी उतनी ही है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो इस बीमारी से बाहर निकल के आ पाए हैं। उन्हीं में से 15-20-50 बच्चों की कहानी है आपकी पहली बुक में, 10,000 आवर रूल। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, ये आज से करीब 2-3 साल 4 साल पहले, तब मुझे मालूम पड़ा, अरे यार अगर मुझे बिल गेट्स, बिल जॉय, बीटल्स, इन तरह के लोगों की तरह काम करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रिपेयर माय ओन ब्रेन्स कॉन्सेंट्रेशन। और ये मुझे खाली इस किताब से भी नहीं मालूम पड़ा, बहुत से लोगों ने मुझे बताया, डांट के नहीं। राजू वेंकट रमन वॉज द सीईओ ऑफ, ही इज स्टिल द सीईओ ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन नॉर्थ इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा, सर अपना बिजनेस कब चालू किया जाए? ही सेड, आशीष अपना बिजनेस तब चालू करो जब तुम डिप्रेस्ड कभी नहीं होगे। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा बेटा जब बिजनेस चालू करोगे तो घाटा होगा, किसी महीने बहुत कम पैसे आएंगे, किसी महीने ज्यादा पैसे आ जाएंगे, और जब कम पैसे आएंगे तब बिजनेस बंद कर दोगे, तुम गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे,
तो जो भी आदमी सक्सेसफुल हुए बिजनेस में, दे हैव फर्स्ट वर्कड ऑन देयर ओन माइंड, देयर ओन डिसिप्लिन, देयर ओन ब्रेन. बिकॉज अपने बिजनेस में आपको कोई टाइम नहीं है कि आपको कितने बजे ऑफिस पहुंचना है. आप मालिक है, मत जाओ ऑफिस. आपकी किराने की दुकान है, मत जाओ ऑफिस. आप नहीं जाओगे, आपका नौकर को मालूम पड़ गया सर तो दो तीन दिन में टाइम टाइम पर आते हैं, अदरवाइज तो टाइम से नहीं आते. शुरू के एक घंटे दो घंटे माल बेचेगा, बोलेगा खो गया. इस तरह की छोटी 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 प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज वाई राजू सेड दैट आशीष फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस टू थिंग्स, रीड लॉट्स ऑफ बुक्स बाई पीपल हु हैव बिकम सक्सेसफुल. तो दिस इज अ पर्सन जिसने लिखा है, ये खुद बहुत सक्सेसफुल है. पहली चीज तो सक्सेस इसकी यही थी कि जब इसकी ये बुक छपी थी, इट इज अ पार्ट ऑफ वन बिग बुक. उसकी जब बुक छपी तो फर्स्ट बार जब किसी राइटर की बुक छपती है, वो जितनी छपती है वो सब बिकती नहीं है. इस बंदे की एक भी प्रिंट कॉपी बची ही नहीं, यहां तक कि शॉपकीपर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे पास और कॉपी नहीं है. हालांकि उनके पास कॉपीज होती थी, वो अपने खानदान में देना चाहते थे बुक्स. विद इन वन ईयर दे हैड टू रीप्रिंट द सेकेंड एडिशन. तो सो फर्स्ट ऑफ दिस बुक आई एम आस्किंग यू टू बाय, नॉट बिकॉज कोर्स है, ये है, वो है. अगर कल को भगवान न करे मैं मर जाऊं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो भी अगर आपके पास ये बुक्स पड़ी है और गलती से आपने इनको खोल लिया, दे मे प्रूव वेरी वेरी यूजफुल. मैंने अपने घर में इसका इंतजाम किया है. मेरा लड़का है 5 साल का, अभी तो हम लोग कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ. भगवान न करे कुछ हो गया तो हमारे घर में जो सबसे बड़ी कीमती चीज रखी हुई है वो एक लाइब्रेरी है, जिसमें 300-400 बुक्स रखी है. हाँ, बैंक में थोड़ा पैसा है, वो खत्म हो जाएगा वो, बट दीज बुक्स आर मोस्ट वैल्यूबल. मुझे पता नहीं श्रीश पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसको, बट क्या पता पढ़ ले. वैसे अगर सिगरेट पड़ा हो घर में, दारू पड़ी हो, तो क्या पता, एक बार ट्राई कर ले बच्चा. अरे कोई सिगरेट पीता है, यू नो व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड करेंटली? लंग कैंसर, विच इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग. लेकिन सारे के सारे जिनको स्मोकिंग करते हैं उनको ही कैंसर होता है, ऐसा नहीं है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर होते हैं, बट अब रिसर्च ने बताया है नॉन स्मोकर भी वो लोग होते हैं जो स्मोकर्स के साथ रहते हैं. इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्मोकिंग. तो मेरी उम्मीद यह है श्रीश इनडायरेक्ट रीडिंग करेगा. उसके पिताजी चले गए अगली दुनिया में, तो वो क्या करेगा, क्या पता किसी दिन बुक निकाल ले, क्योंकि बुक ही पड़ी है उसके घर में. और करता भी आजकल वो उठाएगा बुक्स और अपनी मर्जी से, पापा बताया क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है डोरेमोन 21वीं शताब्दी से आया है. ही इज प्लेइंग विद दीज बुक्स, बट वेरी सून व्हेन ही विल बी एबल टू रीड वन लाइन एंड ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ही विल बी सो अमेज्ड. सो आई वॉन्ट यू पीपल टू बी अमेज्ड व्हेन यू फाइंड सम डिफिकल्ट बुक एंड यू अंडरस्टैंड देम. एंड अनलेस यू फील अमेज्ड एंड हैप्पी एट रीडिंग बुक्स, यू विल नॉट लाइक टू रीड बुक्स. जो भी आप करते हैं, होमवर्क करना है क्लास में, नहीं तो सर आपको क्लास से निकाल देंगे, दैट इज लाइक जबरदस्ती का भोजन खिलाया जा रहा है आपको, और उस भोजन से आपको केवल उल्टी आएगी बस. बचपन में मुझे मम्मी ना दूध पिलाती थी, तो मुझे याद है शायद 5 साल का रहा हूंगा, मुझे हाथ से पकड़कर, मेरा एक हाथ से पकड़ती थी और दूसरा हाथ यहां पर दबा देती थी, और फिर भी मैं मुंह बंद कर देता था, मुझे याद है ये चीज. फिर मेरा नाक बंद करती थी, और फिर बड़े से चम्मच में, छोटे चम्मच में भी नहीं, जल्दी खत्म करना था दूध, तो बड़े से चम्मच में डाल दिया, तो मरता क्या ना करता उसको, निकल जाता था मैं. अब पिछले 10-12 साल 15 साल हो गए मैंने दूध नहीं पिया. तो यही हालत आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स इन सबके साथ हो रही है. जब आप स्कूल से निकलेंगे तो आप ये दूध नहीं पिएंगे. लेकिन इसका एक और कारण है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, और उसको ठीक करने के लिए आपको कोई टेक्निक नहीं बताता. तो आशीष सर आपको टेक्निक लाइव नहीं बता पाएंगे, तो एटलीस्ट आपको वीडियोस के जरिए बताएंगे. ये सब वो टेक्निक है जो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल की है, उससे हेल्प हुआ है. एट द सेम टाइम दीज आर नॉट क्विक थेरेपीज. क्रोसिन की तरह नहीं है कि आपने गोली खाई और ठीक हो गया. जो आपकी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी है, इट हैज बीन डेवलप्ड ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स, और आपने जानबूझ के नहीं किया है. आपके घर में कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं फिल्में चल रही हैं, तो आपका माइंड जबरदस्ती यहां ऐसे खींचा रहता है. बार बार जब खींचा रहता है, तो जब इंपल्स नहीं रहती तब भी आप हिलते रहते हैं, और उसी हिलने को क्या बोलते हैं हम लोग, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन.
हेलो कौन, हेलो अब आपको 10 मिनट फोन करते हैं सर। सो एक बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा, अगर उसको बचपन में ही थर्ड सेकंड फर्स्ट में कंसंट्रेशन की ट्रिक्स या टेक्निक्स सिखाई जाए तो जब उसका दिमाग लड़ाई में खींचेगा तो वो थ्री स्टेप करेगा। या एक टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं FASH, वो लेकिन मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक आप बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से हमारे क्लासेस को सुने, बिकॉज इट इज वेरी वैल्यूएबल। तो अगर मैं आपको दे देता हूं तो यू विल नॉट यूज इट, इसलिए हम उसको बचा के रखें। तो अगर वो टेक्निक उसको बता दी जाए बचपन में ही और बचपन में उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई। एक बार आपकी अगर हैंडराइटिंग अच्छी हो गई तो उसको खराब करना बड़ा मुश्किल है। सो जैसे अभी आप खड़े हुए, अब बहुत मुश्किल है कि आप कोई टीचर फादर आए और आप खड़े ना हो, इट इज अ हैबिट। बट सिमिलर हैबिट्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन हैज नॉट बीन टॉट टू यू। जब एग्जाम में नंबर कम आते हैं और आप बहुत दुखी हो जाते हैं और आपकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, आपको लगता है ये नॉर्मल है, बट इट इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक बड़ी सी दुर्घटना हुई आपके लाइफ में और उसने आपका फोकस हटा करके पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। अब जैसे ये हाथ है मेरा, अगर मैं ऐसे उसको 5 मिनट ऐसे रखे रहूं तो मैं और कोई काम नहीं कर सकता, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई माइंड्स फोकस और बॉडीज फोकस इज गोइंग हियर। तकरीबन ऐसे ही आपकी ब्रेन की हैबिट हो चुकी है। अगर आप फीडबैक नहीं देते हो या फीडबैक सीरियसली नहीं देते हो, इसका मतलब यह है कि हमको बता रहे हैं सर हम बिल्कुल फोकस नहीं है, हम बहुत कमजोर है, हम कुछ नहीं, आपने जो पढ़ाया हमने सुना ही नहीं। सो दीज थिंग्स दैट वी आर पुटिंग अप, दीज आर नॉट, ये नहीं है एग्जाम में नंबर कितने मिले, ये मेरे लिए ब्लड टेस्ट है जो हर रोज मैं करता हूं ये चेक करने के लिए कि कौन सा बच्चा कितना फोकस्ड है, कौन सा बच्चा कितना सीरियस है, कौन सा बच्चा कितना हेल्पफुल है, कि कौन सा बच्चा हमारा हेल्प लेना भी चाहता है। कुछ बच्चे ने मुझसे मेल पर बात की है, फेसबुक पर बात की है, सर बाकी बच्चे आपकी बात में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। ही इज नॉट टेलिंग दैट बाकी बच्चे क्यों नहीं है, ही इज सेइंग सर आई एम इंटरेस्टेड इन योर टॉक, प्लीज हेल्प मी मोर। दो बच्चे पिछले एक साल से जबरदस्ती मेरे पास शाम को क्लिनिक में आ जाते हैं, सेंटर पे, और मेरा लेक्चर सुनते हैं। आई टेल देम आज नहीं यार कल आ जाना, तो कल आ जाएंगे बेचारे। एंड दे हैव इंप्रूव्ड इन देयर मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश ट्रिमेंडसली, प्लस आई कैन सी देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सो डीप दैट इवन इफ यू रिमूव देम फ्रॉम स्कूल, क्लास में से निकाल दें, वो गरीब हो जाए, कल को फीस नहीं भर पाए, कॉलेज नहीं जा पाए, तब भी वो बंदा अपने करियर में कहीं बहुत आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज हिज कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कल उस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सर इज इट रियली पॉसिबल टू हैव अ मेमोरी लाइक विवेकानंद, यू नो दैट विवेकानंद हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, दे से ही हैड अ फोटोजेनिक मेमोरी, एक बार अखबार पढ़ते थे पूरी अखबार याद हो जाती थी उनको। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने उसको दिया, बट मैं आपको नहीं दे सकता, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका नहीं है। आपका क्वेश्चन ये है, जैसे एक बच्चे ने आज सुबह सुबह क्वेश्चन लिख के दिया है कि धर्मेंद्र सर ने मुझे क्लास से निकाल दिया क्योंकि मेरी फिजिक्स की एक्टिविटी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन लोगों को नहीं निकाला जो उनकी कोचिंग में जाते हैं। या एक लड़की रो रही थी उसको नहीं निकाला, तो उसकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन कमजोर क्यों है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि धर्मेंद्र सर को कैसे सजा मिले। अरे धर्मेंद्र सर को अगर सजा मिल भी जाएगी तो भी तुम्हारी फिजिक्स की एक्टिविटी पूरी कहां होगी। फिर उस बच्चे से बात करके मुझे पता चला कि वो बच्चा कल एक ऐसे बच्चे के घर में गया था जो स्कूल से निकाल दिया गया है। 1:15 बजे स्कूल बंद हुआ, 2:30 बजे तक उसके घर पे था वो। बोलता है सर वो तो मेरा फ्रेंड है ना, एक ही बार गया था मैं उसके, और उसके पेरेंट्स इतना परेशान हो गए थे कि 10 फ्रेंड्स को कॉल किया, पर जब वापस आया तो उसने एक छोटा सा झूठ बोला था, वो मैं उसके घर नहीं गया था सर, मैं अपने क्लासमेट के घर पे गया था। वो छोटा सा झूठ इज अ बिगिनिंग ऑफ अ बिग बिग एक्सीडेंट, बिकॉज झूठ हम तब बोलते हैं जब हमारे अंदर में एक ऐसा इमोशन होता है जिसको हम फेस नहीं कर पाते, डर। और ये डर जो है हमसे झूठ बुलवाता है, इसलिए अक्सर हम बोलते हैं कि छोटा थोड़ा सा तो झूठ बोला था। लेकिन बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं चाहिए, सच बोलने के लिए यू नीड इमेंस अमाउंट ऑफ फोकस। फोकस मतलब आप जहां पर है वहां से आप भटके फिर वापस आ गए, रियलिटी को आप आंखों से देख सकते हैं
और आप कांपते नहीं है। कांपना मेरे हिसाब से डर नहीं है, कांपना मेरे हिसाब से क्या है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस। और ये आप डेवलप कर सकते हैं बिकॉज डर सबको आया। डर विवेकानंद को भी आता है। एक बार ऐसी कहानी मैंने सुनी है विवेकानंद की कि वो उनको किसी ने कहा कि वो फला फला पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। ही वॉज अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस। तो कहानी ऐसी है, पता नहीं सच है कि नहीं, वो जाकर रात भर उस पेड़ पर बैठ करके आए। अगले दिन अपने फ्रेंड को बताया कि कोई भूत भूत नहीं है, मैं रात भर वेट करके आया। लेकिन आपको लगता है जब वो पेड़ पर बैठा रहा होगा तो उसको डर नहीं लगता होगा? 12-13 साल की उम्र थी उसकी। एक और बच्चे के बारे में मैं जानता हूं, ही इज वेरी फेमस बट ही इज नॉट एनी मोर, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। वो जो बचपन में थे तो उनको बोलते मैंने बहुत पैसे कमाए हैं भूतों के कील बेचकर। अगर कोई बताता है भूत पिशाच कहीं होते हैं तो उनके लिए कुछ तांत्रिक वांत्रिक ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उसमें खास नाव होती है, नाव की अगर बड़ी बड़ी खीलें होती हैं, उस खील से वो लोग भूत को पीपल के पेड़ पर ठोकते हैं। तो बोलता है मैं क्या करता था, पीपल के पेड़ से वो खील निकाल लेता था। कहा जाता है अगर खील को निकाल लिया तो भूत आजाद हो जाएंगे और जो निकालता है उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये बहुत छोटा था, इसको पता होता नहीं था, लेकिन खील बिकते थे, बहुत महंगे खील बिकते थे। तो निकाल निकाल के बोलता है सुबह निकालकर मैं उसको बेच देता था और शाम को वो दोबारा खील बेच देता था ग्राहकों को। ऐसे मैंने अपनी पॉकेट मनी कमाई है। सो वी आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से ढेर सारे फियर्स आते हैं, ढेर सारे एंगर्स आते हैं। लेकिन इन सबका इलाज तभी पॉसिबल है जब आप जहां से भी जो मिले आप लेना शुरू कर दें। आज की क्लास में कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं खाली बता रहा हूं कि हम सब बीमार हैं और इसका सोल्यूशन जो है मेरे पास, सॉरी टू से, आई हैव ओनली वीडियोज। सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज, आई हैव नो सोल्यूशन फॉर एनीबडी हुज नॉट, बिकॉज मैं खुद वीडियोज से ही पढ़ रहा हूं। वीडियोज और बुक्स मेरे पास कोई टीचर आके पढ़ाता नहीं है। खैर एक सीक्रेट है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता। एडवांस्ड कॉन्सेंट्रेशन के बाद देन यू स्टार्ट गेटिंग मास्टर्स, दे कम इनटू योर ड्रीम्स एंड दे टीच यू। वो भी शुरू हो जाता है कुछ दिनों में, मुझे एक दो बार हुआ है। बट यू नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और वो पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि 90% टाइल सीख सकता है और 30 वाला नहीं सीख सकता। वो कोई भी सीख सकता है। उस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती है कि तुम क्लास में अच्छे हो या तुम सुंदर हो या तुमने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं या तुम्हारे घर पे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं तो तुमको ये ट्रिक्स काम में आएंगे। दीज टेक्निक्स आर लाइक ग्रेविटेशन, दे वर्क ऑन एवरीबडी प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस देम। ठीक, 10-15 मिनट निकालिए, आज जो मैंने बताया उसके बारे में फीडबैक लिखिए अच्छे से। कुछ याद कुछ लिख पाएंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे।